हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Oh, no.
आत्मा स्वरूप ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ¡Gracias!
दातांगी मन है। Thank you.
ज्ञानं जन सलाकया चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो श्रीचैतन्य मनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा तदात्मह्यं सपदा आत्मानं शीलं सन्तेहितं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपदां भोजितो हि शाश्वतजन्मयन् सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद श्रोता शिष्य ज्ञान कृष्ण वर्षा महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तब पंचायत सन्यासी गण ब्रह्मचारी वैष्णव एवं वैष्णवी का आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि रूप गोस्वामी के तीरा तिथि के दिन में आज हम वृंदावन में सेवा कुंज के अंतर्गत श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटी और साथ ही उनकी समाधि में हम लोग गए, वहां पर उनका पूजन अर्चन किया, भजन कुटी में भी गए और फिर वहां से गर्भ गोस्वामी का होते हुए हम लोग यहाँ पर आए। अभी ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, पूरा है, इसलिए हम लोग को कुछ समय है श्री रूप गोस्वामी के संबंध में कुछ गर्व है। स्वरूप गोस्वामी कृष्ण लीला में श्री रूप मंजरी थे, वही चैतन्य महाप्रभु के परिकर चैतन्य महाप्रभु के मनोदेश को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप मंजरी कितनी उन्नत है, श्री रूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोस्वैन नंदन कुजार्पित मस्तिका है हम मोदतः कनक गौर पदार बिंदम संवाहनादि सनकलित उठे। राधा जी विहार करते करते थक गए हैं, वो कृष्ण की गोदी में अपने सिर को दे करके पैर कहाँ रखा, रूपमंजरी के गोदी में, और रूपमंजरी उसको धीरे धीरे संवाहन कर रही है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ओ हमारा सौभाग्य होगा कि रूपमंजरी अपनी जो सेवा है बुला करके कहेंगे तुम ये सेवा करो, तब मैं उनके चरणों को पलटूंगी। ये उनकी रूप मंजरी की कितनी महिमा है। तब बुलाकर पाद मर्दन पयो दाना विशारा दिवी वृंदारण्य महेश्वरी शक्पतन जो से अंति दिया प्राण वृक्ष सखी कुलाद पिपिला संकोचिता भूमिका केल भूमि स्वरूप मंजरी मुखा तत्ता दिता। कितना सौभाग्यवती है रूप मंजरी कि जहां पर राधा कृष्ण अस्त व्यस्त है वहां पर तो रूप मंजरी रति मंजरी इत्यादि जा सकती हैं और उनको कपड़े पहना करके उनकी सेवा कर सकती किंतु उनसे भी श्रेष्ठ ललिता की शाखा है प्रिय नर्म सखियां उनका यह सौभाग्य है। वो पहले पूछेगी रूप मंजरी क्या मैं आ सकता हूँ घर में कुंज में आ सकता हूँ, यदि रूप मंजरी आदेश देंगी तब तो यह ललिता की शाखा ऐसा मंजरियों का सौभाग्य है। किंतु रूप मंजरी ने हम जैसे जीवों को वो भाव कैसे प्राप्त होगा, उसका साधन क्या है, किस प्रकार से रूप मंजरी
के अनुगत में हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। रूप मंजरी को समझो, वो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण के सुख में सुख, राधा जी के सुख में सुख और विरह में विरह। ये भी ललिता विशाखा की तरफ में दुखेश्वरी होने झुक गए, किंतु तो बिना बरदास्य में हम थे तो राधिका जी के चरण की दासी को भी कोई हमको चाहिए। राधा जी की सखी को हम दूर से प्रणाम करते हैं, यदि कहे राधा जी हमारी सखी बन जाओ, उसको हमारा प्रणाम है। मुझे दासस्तु रसस्तु रसस्तु दास जी भाव रघुनाथ जी को इत्यादि सबको ये प्रयोजन। तो ये रूपमंजरी नहीं ले सकी, साधन जो हम कैसे कर करके उनकी अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करें नहीं ले सकी। किंतु रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के प्रेरणा से और उनकी कृपा से इस चीज को दिया। उन्होंने इसके लिए उज्जैन मणि विदर्भ माधव ललित मधर इत्यादि ग्रंथों को दिया। विशेष करके उज्जैन मणि में यद्यपि उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में तक दिया और मथुरा का भी वर्णन तो बहुत संक्षेप में किया, क्योंकि इसके अधिकारी लोग बहुत कम हैं, बहुत कम दुर्लभ हैं। यदि किसी को लोभ भी हुआ है कि हम इस सदस्य उनकी सेवा करें, किंतु उनका संस्कार पूर्व जन्म का या इस जन्म का संस्कार नहीं होने से नहीं हो सकता। जिनको दास शब्द बाल कल्य में रुचि है उनके लिए यह दुरूप है, कठिन है, इस मार्ग में नहीं आ सकते, इसलिए यह भाव बहुत कठिन है। किंतु रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल मणि में ये कैसे इस भाव को पाया जाएगा, उल्लास रति वाली गोपियों का भाव चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए, रूप गोस्वामी ने ही कहा जो कृष्ण स्वरूप है, राधा जी की भाव और कांति लेकर जगत में आए हैं, किस लिए वितरण करने के लिए, क्या वितरण करने के लिए, राधा भाव का आस्वादन करने के लिए। और वितरण क्या करें, बड़े गर्व से गर्व से करो, रसिक शेखर कृष्ण परम कार्य, एक दुई हेतु इच्छा रूप, उनकी इच्छा। बहुत दिनों तक उन्नत उज्ज्वल रस का भाव, माने क्या उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं, पातिया को पातिया भाव को, और पातिया भाव में राधा जी का जो भाव है सर्वश्रेष्ठ मदनाक्त भाव तक इसको तो दिया नहीं जा सकता। तो क्या चाहिए, भक्ति श्रियम स्वभक्ति, स्व माने राधिका के हृदय में जो भक्ति है उसका उसकी शोभा, शोभा माने मंजरी भाव, ललिता विशाखा इत्यादि पुष्प और पत्ते हैं और रूपमंजरी इत्यादि मंजरी है। यदि लता अकेले रहे, सखियां न रहे, पुष्प पुष्प और पत्र न रहे, अकेले होता कोई, इसलिए राधा जी अकेले रहे तो मूल्य नहीं होगा, इसलिए पुष्प पत्ते तो ललिता इत्यादि है और मंजरिया है गोपियां, ये मंजरी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु किया है। इसलिए रूप गोस्वामी ने वाराणसी प्रयाग में महाप्रभु जी ने कहा क्या परामर्श सुनने एक
दर्शन भगवान चाहते एक बिंदु उनको चढ़ाया हुआ और उसी का रूप वर्षा भी है और भक्तने साथी से तो उज्जवल मणि विदर्श माधव ललित माधव हंस दूत आदि ग्रंथों में उसका विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए कैसे हम उस भाव को पा सकते हैं इसलिए मंजरी की अपेक्षा भी रूप गोस्वामी का बहुत अधिक है। और भी देखो चैतन्य महाप्रभु का मनोकृष्ट क्या है, चैतन्य महाप्रभु किस लिए है, एक तो है राधा भाव का स्वागत की कारण से राधा प्रणय महिला उपपति भाव देने के लिए रूप गोस्वामी ने क्या किया महाप्रभु के पहले और रूप गोस्वामी के पहले चार संप्रदाय के लोग और साधारण लोग उपपति भाव को बहुत कलंकित और लज्जा समझते थे, इसलिए उस समय घृणा के प्रति होता था। किंतु रूप गोस्वामी ने क्या किया, शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर यह प्रमाणित किया कि जहां पर कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वो कृष्ण ही नायक हैं और जहां पर कि उनकी कलाएं आनंद चिन्मय रस प्रतिभा निज रूप तया कला, निज रूप तया कला वो कृष्ण और राधा जी दो नहीं है एक है और राधा जी की ये गाय भी मन है कौन गोपिया ललिता विशाखा इत्यादि रूप है इत्यादि अतय उनसे भिन्न नहीं है शक्ति शक्ति मतोर अभेद शक्ति और शक्तिमान दोनों एक है। इसलिए जहां पर कि नायक स्वयं कृष्ण है पर नायिका भी स्वयं कृष्ण ही है राधा जी के रूप में गोपियों के रूप में वहां पर पार्थिया दोष में दोष नहीं है। किंतु कृष्ण के अतिरिक्त और रूप जगी पार्थिया राज अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरे के पास जाए विहार करें इसमें बड़ी भारी लज्जा की बात है। शास्त्रों में इसी के लिए मना किया है। शास्त्र में भागवत में लिखा है तापाद्य माणा पति भी अपने पतियों को छोड़कर के कृष्ण ने जब की बंसी बजाई शरद पूर्णिमा को तो सब गोपियां चले उनके पति मना करते रहे नहीं पाए। और भी प्रत्येक राज पंचाध्याय के प्रत्येक श्लोक में उपपति भाव का ही वर्णन है। पति सुतान वय रात्रिपण भवान पति विलंक के अंत अच्युता था अपने पतियों को छोड़ करके ये गोपियां चली गई यहां पर कृष्ण है उनके साथ में और आशा बहो चरण रही शाम हम श्याम वृंदावने किमपि गल्पन तौसतीना जब दुस्तगत स्वजन आर्ष पतन चरित्वा भेदे मुखंद पदवे सुखली आज पद को छोड़ करके आज पद माने के अपने पतियों को भी छोड़ करके सब कुछ और कृष्ण के पास न पारे हम निर्वस्त संजुलां ससाद कृत्या बहुदा अनुताप मा दुर्जन गृह श्रृंखला संप्रिश्य तत्व प्रतिचार कृष्ण ने जब बंसी बजाई जब राज किया तो अंत में कहते हैं कि मैं गोपियों का ऋण नहीं चुका सकता ब्रह्मा की आयु यदि लाभ करके भी मैं यदि ऋण चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। क्यों दुर्जन गृह श्रृंखला अपने पतियों को छोड़ करके गुरुजनों की बात को छोड़कर लोक लज्जा सब कुछ को छोड़ करके कृष्ण के पास इसलिए हे गोपियों अपने सद्गुणों से मुझे तुम अपने ऋण से ऋण कर दो किंतु फिर भी मैं तुम्हारा ऋण
शून्य होगा। कृष्ण स्वयं का है, इसीलिए ये यहाँ पर नायक कृष्ण है, नायिका ये गोपियां है, ये दोष नहीं है। रूप गोस्वामी का एक और वैशिष्ट्य है, उन्होंने भक्त स्वामी सिंधु उज्जैन इत्यादि ग्रंथों में भक्ति के प्रत्येक स्तर की परिभाषा की है। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा किसको कहते हैं? लौकिक की श्रद्धा को प्रणाम कर लिया हो गया, किंतु परमात्मा की श्रद्धा, श्रद्धा तो अनुपाय बढ़िया भक्ति उन्मुखी चित्त अन्य उपाय को छोड़ करके पालन ज्ञान योग तपस्या ध्यान धारणा सब छोड़ करके अन्य उपाय बढ़िया कृष्ण उन्मुखी चित्त सेवा की वासना उसके हृदय में आई है और उसमें शरणागति हो गई, तो इसको संस्थान साधन किसको कहते हैं? ऐसे साधन जैसा हम कर रहे हैं नहीं है, कृति साध्य भवे कृतार्थ भाव ससाधन अभिदा नित्य भक्त सिद्ध भाव से प्रापटन भाव को लक्ष्य कर, रति को लक्ष्य करके जो इंद्रियों के द्वारा साधन किया जाता है भाव को लक्ष्य कर, और भाव को भी समझो कि भाव क्या है, निष्ठा रुचि आसक्ति इसके बाद में भाव शुद्ध सत्य इत्यादि, तो इसलिए तब जा करके क्या बोल रहे, रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया। रति किसको कहते हैं? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सुजान सुदाम व्यवहार दूसरी चिंता मार्ग स्वभाव बहुत कठिन चीज है, रति या भाव होना साधारण नहीं है। रति नहीं, रति होने पर भी उसका स्वरूप कुछ हृदय में आने लगता है, झलकता है कि हमारा स्वरूप क्या है। शुद्ध और सत्व देखो, पहले है सत्व मिश्र सत्व, मिश्र सत्व बद्ध जी और शुद्ध सत्व जी, विशुद्ध सत्व कौन? कृष्ण, कृष्ण के परिकार, कृष्ण के जितने जो कुछ है वो सब शुद्ध, और विशुद्ध सत्व वो विशुद्ध सत्व कहते हैं जो जैसे सुबल आदि सखा है उनका सब प्रभाव रागात्मिक भक्ति वाले, और यशोदानंद जैसे वात्सल्य का भाव है उनके अंदर में वात्सल्य भाव है, और गोपियों में मधुर भाव है, जो जिसके प्रति उपलब्ध लोग जिसको उत्पन्न होगा जिनके भावों के प्रति कृष्ण का अनुसरण करते हुए और उन गोपियों का अनुसरण करता तब तो वो भाव हृदय में आएगा। यदि कोई वात्सल्य भाव जाता है तो नंद यशोदा जी का अनुगत्य में कृष्ण का स्मरण करते हुए करें, सखा वाले सखा का करें, गोपियों का भाव ये विशुद्ध सत्व विशेष आत्मा। ये इसी तरह से प्रेम का डिफिनेशन दिया, सम्यक मर्षणितो भाव प्रेम का ध्वंस होने का कारण उपस्थित रहने पर भी प्रेम बढ़ जाए, लोक में समाज में प्रेम का ध्वंस कारण होने पर ध्वंस हो जाता है, प्रेम उसको गोली मार देते हैं।